नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में रा की मात्रा यानी कि रा को किस प्रकार से लिखते हैं उसके दो तरीके बताए थे, आज मैं आपको उसका तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ। आपने लिखा हुआ देखा होगा एक ऊपर डंडा, बीच में डंडा और ये आधे टा की तरह। ये क्या है विशेष रूप से? ये आपकी जब आप ऋषि लिखते हैं उसकी मात्रा लगाई जाती है। रे ऋषि की मात्रा हमेशा इस तरीके से लगाई जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाऊं कृपा, तो इसका क्या अर्थ है? ये का आधा है, इसमें ये ऋषि की मात्रा है, पा आधा है और बड़ा आ है, यानी कि ये जो इस प्रकार का रा होता है ये रे ऋषि की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आखिरी रा मैं आपको करके दिखाती हूँ नंबर चार पर, जो कि आपने लिखा है देखा हुआ है ट्रेन में, ड्रम में, ये रा भी आपका प्रयोग किया जाता है और राष्ट्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रा कौन सा है, तो इस रा में आपका दो चीज़ें मिली होती हैं, एक आपका रा और दूसरा आपका हलंत। दूसरा आपका क्या लगा होता है? हलंत। हलंत वो शब्द होते हैं जो हम किसी आधे वर्ण के नीचे लगाते हैं, जैसे हम को अगर हम विच्छेद करके लिखेंगे तो हा आधा है, उसके साथ छोटा आ मिला हुआ है, मा मिला हुआ है और फिर आ मिला हुआ है। तो ये जो निशान लगाया है मैंने, ये निशान लगाया, इसे हम हलंत कहते हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। और जब हम ये लिखते हैं तब इसके नीचे रा और ये हलंत मिलकर ये निशान बन जाता है। जब मैं ट्रेन लिखूंगी तो सीधा निशान और लंबा निशान यानी कि ट्रेन। इस वाले रा में आपका मुख्य रूप से ये रा और हलंत जुड़ा होता है। ये वाला जो रा है ये ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है और बहुत कम हिंदी के शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्र, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि। चलिए अब मैं आपको रा के साथ छोटे उ और बड़े उ की मात्रा का प्रयोग करना सिखाती हूँ और उसे लिखना भी सिखाती हूँ। और बाकी की मात्राएं मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। रा, रा के साथ अगर मैं छोटा उ जोड़ूं या फिर रा के साथ में बड़ा उ जोड़ूं, इसकी मात्रा हम रा के साथ ऐसे और ऐसे नहीं लगाते, ये दोनों तरीके हमारे गलत हैं। तो हम कैसे लगाते हैं? बाकी शब्दों के साथ हम रा की मात्रा इसी प्रकार से लगाते हैं, पर सिर्फ रा के साथ उ की मात्रा इस प्रकार से नहीं लगाई जाती है। चलिए बताते हैं कैसे। जब हम रा के साथ छोटे उ की मात्रा जोड़ते हैं तो इसे लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रुपया, क्या होंगे शब्द रुप आदि। और जब रा के साथ बड़ों की मात्रा लगाते हैं तो इसे लिखने का तरीका हमारा ऐसे होता है। जब रा के साथ बड़ों की मात्रा लगाते हैं तो तरीका क्या है? ये है। इसे लिखते कैसे हैं? रूप रूप रूपेश आदि। आपको समझ आया रा की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है? रा में छोटों की मात्रा इस तरीके से नहीं लगाई जाती है और ना ही बड़ों की मात्रा इस तरीके से। रा में जब छोटों की मात्रा लगाई जाती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और जब रा में बड़ों की मात्रा लगाते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं।
जो आप गुरु शब्द लिखते हैं गुरु, उसमें छोटों की मात्रा आती है, और हम रूप जब लिखते हैं तो बड़ों की मात्रा आती है। जिसमें लंबी आवाज़ आती है वो बड़ों की मात्रा में आती है, और जिसमें छोटी आवाज़ आती है वो छोटों की मात्रा में आती है। धन्यवाद।